अभी आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से सरकार का संसद में विरोध हो रहा था। पिछले कई दिनों से जब से ये किसान बिल आया हुआ है महंगाई के मुद्दे पे और भी जो पेगासस जासूसी कांड है उसके मुद्दे पे सरकार का विरोध हो रहा था और विपक्षी पार्टियां सदन की कार्यवाही चालू नहीं होने दे रही थी। पर अभी हाल के दिनों में 10-11 तारीख को संसद में शांति रही और एक विधेयक पे चर्चा हुई जिस पे आम सहमति बनी, जो ये सरकार के लिए नई बात है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मुद्दों पे सरकार का और विपक्ष का के साथ सहमति बन पाना, यहां तक कि किसी भी विषय पर चर्चा भी नहीं हो पा रही थी। पर इस विधेयक में जो 127वां संविधान संशोधन के नाम से जाना गया, इस बिल पे प्रॉपर चर्चा हुई है और सभी की सहमति बनी है और ये दोनों सदनों से पास हो गया है ये बिल। तो आइए जानेंगे आज हम कि ये बिल किस प्रकार से काम कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है रोहित। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 127वां संविधान संशोधन विधेयक बिल 2021 क्या है। तो सबसे पहले ये संशोधन में क्या लिखा है इसके बारे में बात करेंगे और ये कहां से पास हुआ है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये 10 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ है और इसके लिए क्या किया गया है, इसमें 385 जो मेंबर्स उपस्थित थे उन्होंने सभी ने इसके सपोर्ट में वोटिंग की है, किसी भी मेंबर के द्वारा इसे अपोज नहीं किया गया है। फिर यह बिल 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ है जहां पर 187 मेंबर्स थे, 187 सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने भी इसके फेवर में वोट किया है। तो यह बहुत दिनों के बाद हुआ है कि ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर आम सहमति बन पाई है। तो ये संविधान संशोधन है क्या और जिससे जो है तो लोगों के मतलब जो सारी पार्टीज हैं उनके मध्य सहमति बन पाई है, तो उसके बारे में देखते हैं कि ये 127वां संविधान संशोधन अभी 2018 में जो 102वां संविधान संशोधन किया गया था उसी के कुछ क्लॉजेज में परिवर्तन करने की बात की गई है। आप सीधे ये समझ लीजिए कि राज्यों की जो ओबीसी की लिस्ट बनाने की शक्ति है अर्थात ओबीसी को आरक्षण देने की शक्ति थी वह छीन ली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो कब छीनी गई थी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, पर उसी शक्ति को राज्यों के ओबीसी को आरक्षण देने की जो शक्ति है उसे इसके द्वारा स्थापित किया गया है या वापस किया गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा, 127वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसीलिए यह मुद्दा आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है और अभी चुनाव आने वाले हैं विभिन्न राज्यों में, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए या फिर पार्टियां कभी भी आरक्षण से संबंधित जो मामले होते हैं तो उससे संबंधित जो वर्ग होता है उसे खुश करने के लिए कभी कोई भी पार्टी मतलब इसका विरोध करने का मोल नहीं लेती है, क्या करती है कि सभी इसका सपोर्ट करती है। तो उसी तरह क्या किया गया है कि अभी फिर से इस आरक्षण बिल का सपोर्ट किया गया है जो भी पार्टीज हैं और सभी के द्वारा, तो इसीलिए यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो अब इसमें ये जो राज्यों की शक्ति थी तो क्या यह पहले भी नहीं थी या फिर इसे कैसे मतलब इसे कैसे छीना गया था, क्यों ये शक्ति चली गई थी, सिर्फ यह शक्ति केंद्र के पास क्यों बची थी, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि इसी साल मई 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसमें आपने सुना भी होगा न्यूज में कि मराठा आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया गया था क्योंकि उसमें और बताया गया और फिर उसमें दो क्लॉज दिए गए। उसमें दो क्लॉज क्या क्या थे, उसमें एक ये बोला गया कि जो मराठा को आरक्षण दिया जा रहा है महाराष्ट्र में 16% का, वो 16% देने से ही जो 50% की लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। इंदिरा सानी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में 1992 में जो कोर्ट ने कहा था तो उसमें गाइडलाइन में दिया गया था कि जो आरक्षण दिया जाएगा हम मना नहीं कर रहे हैं पर आरक्षण की जो सीमा है वह 50% की सीमा को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो मराठा आरक्षण वाले में क्या हो रहा था, 50% की सीमा क्रॉस हो रही थी तो उसे गलत माना गया और उसमें जो सेकंड क्लॉज था वो प्रॉब्लम से उसमें प्रॉब्लम थी क्योंकि उसी के बारे में इसमें संशोधन किया गया है। उसमें यह बोला गया था कि जो 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया है तो उसके क्लॉज 442 में क्या किया गया है, 442 में चेंजेस, 442 ए में एक क्लॉज था जिसमें यह बोला गया था कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो किसी की भी ओबीसी जाति को उसके ओबीसी की लिस्ट में सूचित करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देंगे, या मतलब क्या बोला गया कि डायरेक्ट वो अपने ओबीसी की लिस्ट में किसी जाति को नहीं जोड़ सकते हैं, वो राष्ट्रपति से सहमति लेने के बाद या फिर सलाह लेने के बाद ही उसे ओबीसी की लिस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहीं पर पेंच फंस गया और यह बोला गया कि जो महाराष्ट्र की सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दिया है वह भी जायज नहीं है क्योंकि राज्य के पास तो आरक्षण देने की शक्ति 102वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दी गई थी, वो तो सिर्फ राष्ट्रपति के परामर्श से, और राष्ट्रपति का परामर्श
राष्ट्रपति से परामर्श के बाद ही हो सकता है, और जो राज्यपाल का परामर्श होता है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसीलिए यह पावर सिर्फ केंद्र के पास चली गई थी और राज्यों से शक्तियां वापस छीन ली गई थी। तो इस तरह क्या हो रहा था, इस तरह करीब जब से ये राज्यों से शक्तियां छीन ली गई, अभी बहुत दिन तो नहीं हुए, करीब 3-4 महीने से, तो बहुत सारी जो जातियां हैं, करीब 671 जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बाहर होने वाली थी, क्योंकि वो केंद्र की सूची में तो पहले भी ओबीसी नहीं थी पर वो राज्यों की सूची में ओबीसी के अंतर्गत आती थी। जैसे बहुत सारी जातियां हैं जो राजस्थान में, गुजरात में ओबीसी में आती हैं, पर हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में नहीं आती हैं। तो ये सिर्फ क्यों है, क्योंकि राज्यों को भी अपने पास ओबीसी की लिस्ट जारी करने का अधिकार था, पर यह अधिकार मई 2021 में समाप्त कर दिया गया। तो बस इसी संविधान संशोधन में जो सेकंड क्लॉज था तो उसे परिवर्तित किया गया और राज्यों की जो शक्ति थी, उन विधानसभाओं की अधिसूचित करने की शक्ति थी, उसे फिर से इसमें जोड़ दिया गया। तो अभी ये समझ लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है, इसका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ ओबीसी का आरक्षण। जो हमारा मूल संविधान है उसमें ओबीसी के आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, पिछड़े वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसमें जो आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है, हम उनको देखते हैं, अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4). तो ये अनुच्छेद हैं जो कहीं से कहीं तक थोड़ी सी बात करते हैं आरक्षण की। तो इसमें 15(4) जो क्लॉज है, 15(5), यह संशोधन करके जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, फिर भी वहां पर ओबीसी के बारे में बात नहीं की गई है, ओबीसी को आरक्षण की बात नहीं की गई है। जो मूल संविधान में 16(4) है, अनुच्छेद 16(4) है, तो उस वह जरूर बात करता है कि जिन लोगों, 16(4) ये बात करता है कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है या फिर वो पिछड़े हैं। अब पिछड़े का आधार क्या रखा गया है वो बताया नहीं गया है, पर यहां पर क्या बोला गया है, जो पिछड़े हैं उनको मतलब और लोगों के लेवल पे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए उन्हें कुछ किसी विशेष प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, 16(4) में लिखा है, पर यहां पर भी ओबीसी के बारे में नहीं लिखा गया है। तो ओबीसी के बारे में सबसे पहले बात होती है 1953 में काका कालेकर के द्वारा, एक समिति बनाई जाती है, काका कालेकर के अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, एक आयोग बनाया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट 1955 में देता है। इसकी रिपोर्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है अभी, ओबीसी से संबंधित कोई काम अभी 1955 में नहीं किया गया है। पर एक विशेष आयोग आता है जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बीपी मंडल आयोग। यह मंडल आयोग 1979 में मुरारजी देसाई के द्वारा सेकेंड ओबीसी आयोग बनाया गया, जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया, जिनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने पूरे भारत की जातियों का अध्ययन किया और वहां पर यह बताया कि 3743 जातियां जो भारत में है, 3743 जातियां जो भारत में है उन्हें ओबीसी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब ये जातियां किस आधार पर चुनी गई थी, ये जातियां शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन पर चुनी गई जातियां थी, और इन्हें आरक्षण की व्यवस्था की जाए, और आरक्षण की व्यवस्था 27% की इनके लिए की जाए। जो एससी एवं एसटी से अन्यत्र आरक्षण है उनको तो दिया ही जा रहा है, तो अब ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए, ऐसा मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट में बोला गया। पर इस पर 1980 में कोई ध्यान नहीं दिया गया, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भारत देश हमारा अस्थिर सरकार के दौर में आया, जहां किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पर जो है तो एक अस्थिर सरकारें थी, तो वो अपने को अपना वोट बैंक बनाना चाहती थी, या फिर जो भी आप कह लीजिए, तो अपनी सरकार की स्थिरता चाहती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, 1990 में बीपी सिंह की सरकार के द्वारा जो मंडल कमीशन की 10 साल पुरानी रिपोर्ट थी उसे 1990 में लागू कर दिया गया, और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, जिसके बारे में देश में बहुत सारे आंदोलन भी हुए। इसी मंडल कमीशन के रिपोर्ट, मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि ये 10 साल बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 10 साल पुराने रिपोर्ट को लागू किया गया। तो इस अस्थिर सरकार के दौर में 1990 के बाद 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो सवर्ण लोग हैं तो उनको भी खुश करने के लिए क्या किया गया कि जो आर्थिक इस आरक्षण को तो बना रहने दिया गया, जो ओबीसी को 27% था उसको बना रहने दिया गया, और आगे चलकर क्या किया गया, 10% आरक्षण की व्यवस्था ईडब्ल्यूएस के लिए भी, अर्थात जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनके लिए भी इंट्रोड्यूस की गई। इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के खिलाफ इंदिरा साहनी द्वारा एक मतलब सूट दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और बोला गया कि ये दोनों असंवैधानिक है, भारत में जो समानता का अधिकार है उसके खिलाफ है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पारित किया जिसे, और वो जो केस है, फेमस केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बेंचमार्क केस रह गया हमारे जो
आरक्षण वाली व्यवस्था है उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका विमोचन किया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको इंटरप्रिटेशन किया इस संविधान को या फिर इस कानून को, जो भी इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, आयोग बनाए गए थे, तो इसमें क्या बोला गया कि जो ये 27% का आरक्षण दिया गया सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, यह तो सही ठहराया गया, पर जो 10% का ईडब्ल्यूएस को अर्थात आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया उसे यहां पर समाप्त कर दिया गया और बोला गया कि कोई भी जाति आर्थिक रूप से पिछड़ी होने के कारण वह पिछड़ी नहीं मानी जा सकती है। तो जो हमारे यहां आधार था तो वह सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को ही, बैकवर्डनेस का या फिर पिछड़ेपन का आधार इसी को माना गया। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आयोग ने जिसे जिसे शामिल कर दिया है बीबी मंडल ने, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें ही हम आरक्षण देंगे। गवर्नमेंट को आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप प्रॉपर एक बॉडी का निर्माण करें, एक आयोग बनाएं जिसके द्वारा विभिन्न जातियों को चिन्हित किया जाए और क्या किया जाए, उनको वो आयोग बताए कि किनको हम जो है, तो प्रॉपर एक कमीशन हो जो बताए कि किनको हम आरक्षण देंगे, किनको ओबीसी में रखेंगे, किनको क्रीमी लेयर में रखेंगे। प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से इन ओबीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया। उसी के बाद 1993 में केंद्रीय बैकवर्ड कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई और बहुत सारी जातियों को चिन्हित किया गया। तो उसी के साथ एक पैरेलल व्यवस्था चल रही थी, सब कानून के द्वारा बना था, तो विधान परिषदों के पास, विधानसभाओं के पास भी, जो राज्य की हैं, उनके पास भी एक पैरेलल पावर थी जो ओबीसी को आरक्षण देने से संबंधित थी। पर क्या हुआ, अभी 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जब दो क्लास जोड़े गए, किसमें 338B, अनुच्छेद 338B और 342A, 342(1) और 338B, जब दो क्लॉज जोड़े गए तो इन दो क्लॉज में क्या किया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो उसे क्या किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी शक्तियां बताई गई, ड्यूटी बताई गई और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं 338B में। और जो 342A है इसमें यह बोला गया है कि जो राज्य है वो किसी भी नई जाति को ओबीसी में जोड़ने के लिए, पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने के लिए क्या करेगी, राज्यपाल, वहां के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी कि इस जाति को जोड़ा जाए, और जोड़ा किसके द्वारा जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही जोड़ा जाएगा। मतलब ओबीसी की जो पावर थी वो कहीं ना कहीं ओवरकम कर दी गई राज्य से लेकर और किसे दे दी गई, केंद्र को, ऐसा उसमें लिखा गया है। पर जब ये मराठा आरक्षण वाली बात आई तो इसमें जो कोर्ट ने इस बात को इंटरप्रिटेट किया, जो 102वें संविधान संशोधन का जो क्लॉज था 342A, उसको जब इंटरप्रिटेट किया गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट ने, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इसमें साफ लिखा हुआ है क्लॉज में कि जो राज्य सूची है ओबीसी की उसे निरस्त किया जाएगा, अर्थात राज्यों के पास अधिकार ही नहीं है, सिर्फ केंद्र जो है तो ओबीसी की सूची बना सकती है। तो जब से ये निरस्त किया गया है कोर्ट के द्वारा, तभी से ये कायास चल रहे थे कि शायद सरकार ऐसा कोई बिल लेके आए जिसमें जो है तो राज्यों की पावर वापस की जाए, ओबीसी को देने की पावर जो राज्यों के पास थी आरक्षण की वह फिर से वापस की जाए। अब मराठा आरक्षण जो केस था उसमें दो चीजों की बात हुई थी, एक तो 50% आरक्षण का वॉयलेशन था। अब ये 50% आरक्षण जो मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया था, ये गायकवाड़ कमीशन के सिफारिश पर दिया गया था। इसका नाम आपको याद रखना है कि गायकवाड़ कमीशन के सिफारिश पर 16% आरक्षण था जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने संवैधानिक माना था। पर उसी का जब रिव्यू पिटीशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर दो केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बोले, एक तो ये बोला कि जो ये मराठा आरक्षण है ये 50% की सीमा को क्रॉस करता है, जो इंदिरा साहनी में बनाई गई थी, इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में बनाई गई थी, उस सीमा को क्रॉस करता है। और दूसरा क्या करता है, ये 102वें संविधान संशोधन में जो यह व्यवस्था दी गई है कि केवल ओबीसी को आरक्षण देने का अधिकार केंद्र को है, उस व्यवस्था को भी वायलेशन करता है और महाराष्ट्र सरकार के पास इस आरक्षण को देने की पावर ही नहीं है। तो इसीलिए, और कोर्ट यह भी बोलता है कि जो ये मराठाओं को आरक्षण दिया गया है तो यहां पर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं उत्पन्न हो गई है कि मराठाओं को आरक्षण देना आवश्यक है, तो हम इसे जो है तो खारिज करते हैं और इस जो है तो आरक्षण की जो व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है उसे भी हम खारिज करते हैं। तो यह था मराठा आरक्षण के बारे में। तो जो मेन समस्या थी, तो एक क्लॉज से समस्या नहीं थी क्योंकि वह 50% की लिमिट पर बात नहीं की गई है, 50% की लिमिट ठीक है, हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पर जो सेकंड जो पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि उसमें यह बोला गया था कि केंद्र के पास अधिकार, मतलब राज्य के पास अधिकार ही नहीं है, तो उसे बहाल करना आवश्यक हो गया था।
क्योंकि अगर राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है तो राज्य अपने ओबीसी की लिस्ट से बहुत सारे लोग वंचित रह जाते आरक्षण से, तो इस प्रकार समस्या उत्पन्न हो जाती, बहुत सारी जातियां ओबीसी से बाहर हो जाती। तो इसी संविधान संशोधन 127वें के द्वारा इनको फिर से रिस्टोर की गई है, जो राज्य की पावर थी वो स्टोर कर दी गई है, और यह बोला गया है कि अब जो है तो राज्य भी अपने आधार पे क्या करेगा कि ओबीसी की जो लिस्ट, जो काम पहले राज्य 5 मई 2021 से पहले कर पा रहे थे, वही व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी और राज्यों के पास ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की जो पावर है वो भी आ जाएगी। अब ये जो हो गया था तो यह हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ था, क्योंकि राज्यों के निर्णय भी केंद्र सरकार के द्वारा लिए जा रहे थे, अर्थात जो पहले ऐसी व्यवस्था थी कि केंद्र की नौकरियों में जो आरक्षण है वो भी केंद्र डिसाइड कर रहा था, और जो राज्य की नौकरियों में है तो वो भी जो है तो केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा दोनों के द्वारा डिसाइड किया जाता। पर अब क्या हो गया था कि अब राज्य की जो पावर थी वो छीन ली गई थी, तो हमारे संघीय ढांचे को खराब कर रही थी और जो केंद्र राज्य संबंध है जो हमारे मूल ढांचे में है उसको भी प्रभावित कर रही थी, इसीलिए संविधान संशोधन लाया गया। 127वें संविधान संशोधन 5 मई की स्थिति को लागू करता है, 5 मई 2021 की पहले की स्थिति को लागू कर दिया जाता है और राज्य विधानसभाओं की जो शक्ति है उसे जो है तो फिर से उनको वापस कर दिया गया है। अब इसमें जो क्लॉज परिवर्तित किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो 342A में जो है तो 1 और 2 को चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है और एक नया क्लॉज 3 जोड़ा गया है, 1 और 2 को चेंज करके 342 के 1-3 भी जोड़ा गया है। और इसमें जो संविधान संशोधन और भी किए गए हैं तो 366-26C इसको परिवर्तित किया गया है और 338B9 इन क्लॉज को इसमें परिवर्तित और संशोधित किया गया है और सिर्फ एक क्लॉज नया जोड़ा गया है। तो इस प्रकार ये 127वां संविधान संशोधन था जो ओबीसी के आरक्षण की पावर राज्यों को वापस लौटाता है। और अब हम ये जानते हैं कि ये अभी संविधान संशोधन की बहुत बार बात हुई तो हम समझ लेते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है और कैसे संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। तो जो संविधान संशोधन है ये जो हमारा संविधान है उसमें परिवर्तन करने के लिए सरकार को या फिर विधायिका को क्या करना पड़ता है, एक बिल लाना पड़ता है और वो बिल दोनों सदनों में से किसी में या फिर राज्यसभा में या लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल मेजोरिटी की। और विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत होता है कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात जो टोटल मेंबर होंगे उनका बहुमत, मतलब आधे से अधिक टोटल मेंबर्स का, और जो उपस्थित और वोट कर रहे होंगे, मतलब जो मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे उनका 2/3, 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। दोनों सदनों में सेम है तो फिर वो संविधान संशोधन विधेयक पास हो पाता है। और एक विशेष व्यवस्था है कि जहां पर टकराव की स्थिति बन रही है, दोनों जगह से संविधान संशोधन नहीं पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा कि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। तो इस प्रकार हमने संविधान संशोधन को भी देख लिया, बहुत ज्यादा वो नहीं है, इसमें सिंपल ही क्लॉजेज हैं, विशेष बहुमत से पास किया जाता है और संयुक्त बैठक नहीं की जाती है और किसी भी मतलब सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा 127वां संविधान संशोधन। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।